अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है फियरलेस बाय लेवर्न। 100 ml का जूस है इसमें और ADP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉल किस टाइप की है। लेवर्न एक सऊदी अरेबियन बेस्ड नीश फ्रेगरेंस हाउस है और इस हाउस के ओनर खालिद अल मुफद्दल ने अपने बाकी भाइयों के साथ मिलकर 2021 में इस हाउस की शुरुआत की थी और अपने बिजनेस की शुरुआत और मार्केट में टफ कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट का सहारा लिया, जिसमें फ्रेगरेंसेस पसंद न आने पर मनी बैक रिटर्न पॉलिसी दी और आज लेवर्न सऊदी अरेबिया का मोस्ट वॉन्टेड और बेस्ट सेलिंग फ्रेगरेंस हाउस बन चुका है। फियरलेस का मतलब होता है बेखौफ या निडर। ओके, सो हियर इज द बॉटल। इस बॉटल को मैं अपने लेवर्न कलेक्शन की सबसे खूबसूरत बॉटल मानता हूँ और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से येलो टू ब्लू शेड का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस बॉटल को दिया गया है वो आपके सामने है। बॉटल के फ्रंट पर कंपनी का लोगो, फियरलेस और लेवर्न मेंशन है, उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल वेट फाइन प्लास्टिक का कैप है इसका, जो कि अगेन बॉटल को एक खूबसूरत लुक देता है। वैसे तो कैप स्नग फिट है, मगर फिर भी कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर मैंने अब तक इस हाउस की सबसे ज्यादा फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं, जो कि आपको इस चैनल पर लेवर्न की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की जितनी भी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर करूंगा वो तमाम आपको इस चैनल पर लेवर्न की इस ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में बर्गमॉट और मैंडरिन है, मिडिल नोट्स में सैंडलवुड और जैस्मिन है और बेस नोट्स में एम्बर और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक बिटर बर्गमॉट, सिट्रसी ग्रेपफ्रूट और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ लाइट से येलो फ्लोरल नोट्स और जिंजर के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेगरेंस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव, लग्जोरियस और थोड़ी सी स्मोकी हो जाती है। और इस फेज में आपको स्ट्रॉन्ग जिंजर के नोट्स के साथ ग्रेपफ्रूट, स्वीट ऑरेंज और एक स्ट्रॉन्ग स्वीट और मस्की येलो फ्लोरल नोट और मस्की नोट्स फील होंगे। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका ड्राइडाउन स्टार्ट होगा तो अपने ड्राइडाउन आने तक ये फ्रेगरेंस और भी ज्यादा मस्की और स्मोकी हो जाती है। और इसके ड्राइडाउन आने तक आपको मस्क मेलो के नोट के साथ पचुली, ड्राई वेटिवर और मस्की नोट्स फील होंगे। और अपने ड्राइडाउन आने तक ये फ्रेगरेंस स्मोकी होने के साथ थोड़ी सी पाउडरी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेगरेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, स्पाइसी, स्मोकी, एरोमेटिक, मामूली सी फ्रूटी, फ्लोरल, ड्राइवेटिवर और मस्की फ्रेगरेंस है। मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले इस सेम DNA की एक और फ्रेगरेंस का रिव्यू शेयर किया था और ये जिस फ्रेगरेंस से इंस्पायर्ड है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल ये फ्रेगरेंस उन फ्रेंड्स के लिए बेस्ट है जो फ्रेश, सिट्रसी, स्मूथ या एक कम्प्लीट ऑफिस या कैजुअल वेयर फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं जिसे कभी भी कहीं भी वेयर किए जा सके, तो आप इस फ्रेगरेंस को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये जिस फ्रेगरेंस का क्लोन है, आप में से काफी फ्रेंड्स उसके क्लोन के चक्कर में काफी पैसे वेस्ट कर चुके हैं, मगर ये फ्रेगरेंस परफॉर्मेंस के मामले में इस DNA के बाकी क्लोन्स पे काफी भारी है। क्योंकि लेवर्न अपनी ज्यादातर फ्रेगरेंसेस में बिर्च, इंसेंस, स्मोक, एलिमी रेजिन या मह के नोट को एज अ फिक्सेटिव या बेस नोट जरूर रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्रेगरेंसेस एक स्मोक या इंसेंस की तरह प्रोजेक्ट करती हैं, जिसे अगर फ्रेगरेंस ऑन स्टेरॉइड्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एज की बात कर लेते हैं, ये एक लग्जोरियस मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, सो 20 प्लस किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं, ये एक ऑल सीजन फ्रेगरेंस है जिसे आप अपना सिग्नेचर सेंट बनाकर डे एंड नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, 6 से 8 स्प्रे वेयर करने पर 2.5 से 3 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटा ये आपके अराउंड एक आर्म लेंथ के बराबर सैंड बबल क्रिएट कर देती है और 6 से 7 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं, आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 100 ml की प्राइस 13,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेगरेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी अनदर परसेप्शन नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 out of 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 out of 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 out of 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 out of 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9.5 out of 10। और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेगरेंस किसका क्लोन या किससे सिमिलर है। सो ये फ्रेगरेंस भी बुल्गारी टाइगर का क्लोन है और बुल्गारी टाइगर का एक और अच्छा क्लोन डे 417 बाय तोलीजोर है, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। और इस सेम DNA में तुराती ब्लू बाय अफनान और थियोरम बाय रूब्रोका भी आती है, जो कि परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा मार्क खाती हैं। मगर फियरलेस और डे 417 मेरे अब तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक इस DNA की अब तक की बेस्ट फ्रेगरेंसेज हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डे 417 और फियरलेस में कितने डिफरेंसेज हैं या प्राइस और परफॉर्मेंस में कौन सी बेस्ट है, तो अगर डिफरेंसेज की बात की जाए तो तोलीजोर बिना किसी किस्म के चेंजेस किए क्लोज इनफ क्लोन्स बनाते हैं। सो डे 417 और इस फ्रेगरेंस की ओपनिंग में 19-20 डिफरेंस
डिफरेंस है जो कि साइड बाय साइड कंपेयर करने पर ही फील होता है। उसके बाद ये फ्रेग्रेंस मिड फेस से लेकर ड्राई डाउन तक थोड़ी सी यूनिकनेस और एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए हल्की सी स्मोकी हो जाती है। अगर आप परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं तो इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की परफॉर्मेंसेज में सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस है, और अगर आप प्रेजेंटेशन को फोकस करते हो तो तोलीजोर की नस्बत ये फ्रेग्रेंस काफी खूबसूरत प्रेजेंटेशन में आती है। और अगर आप प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें तो तोलीजोर की 55 ml की प्राइस 8,500 से 9,000 के बीच है, जबकि 100 ml में 13 से 14,000 के बीच मिल रही है। सो सेंट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस वाइज डे 417 और इसमें 19-20 डिफरेंसेस हैं, मगर प्रेजेंटेशन और प्राइस के हिसाब से ये तोलीजोर से बेहतर ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आया तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।